अस्सलाम वालेकुम, हाजिर है आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है जो कि पंजाब वज़ीर आला के हवाले से था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग काला दम करार। चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को फौरी फैसले की कॉपी पहुँचाएं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज की तरफ से की गई तमाम तकरियां भी काला दम करार दे दी हैं, और ये भी फैसला किया गया है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब फौरी तौर पर परवेज इलाही का नोटिफिकेशन जारी करें। क्योंकि अब हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहे तो परवेज इलाही ही नए वजीर आला होंगे, और साथ ही साथ हमजा शहबाज काबीना का नोटिफिकेशन भी काला दम करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि हमजा शहबाज अपना दफ्तर फौरी तौर पर खाली करें, चीफ सेक्रेटरी पंजाब फौरी परवेज इलाही का नोटिफिकेशन जारी करें, ये भी फैसला किया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह फैसला भी सुनाया कि गवर्नर पंजाब परवेज इलाही से नए वजीर आला का हलफ लें, और अगर गवर्नर हलफ नहीं ले सकते तो सदर पाकिस्तान परवेज इलाही का हलफ लें, और टाइम का भी तयन कर दिया गया है, और ये कहा गया है कि आज रात 11:30 बजे परवेज इलाही से नए वजीर आला पंजाब का हलफ ले लिया जाए। साथ ही साथ आपको खबर दे चलें कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने परवेज इलाही का हलफ ऐवान सदर में ले लिया है। 9 मुंतखब वजीर आला अपना हलफ उठा चुके हैं। ट्विटर पर भी लोगों ने आज फुल ट्रेंड बना के रखा, और वजारत आला के इंतखाब के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था उसका इंतज़ार किया जा रहा था बड़ी बेचैनी से, और लोगों ने बड़े मजाहिया किस्म के भी ट्वीट्स किए। साथ ही साथ जब ये फैसला आ गया पीटीआई के हक में, तो फिर फैसल जावेद खान ने भी ट्वीट किया कि पर ये फतह पाकिस्तान की है। बाकी उन्होंने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आइए सुनते हैं। अभी और भी इम्तिहान आने हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं। अभी तो इमरान खान साहब को मुबारक हो, उनकी मेहनत, उनकी काबिश, और इमरान खान साहब ने जिस तरह से वादा किया था कि वो कभी इस कौम को मायूस नहीं करेंगे, और इस कौम ने भी कभी इमरान खान को मायूस नहीं किया। हर बार इन्होंने इस्तेमाल किया इमरान खान को शिकस्त देने का। इमरान खान साहब सुरखुरु हुए और आवाम ने वोट के जरिए उनको सरगुरु किया, और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान फौरी किया जाए। मुल्क में साफ़ और शफाफ इंतखाबात ही तमाम मसाइल का हल है। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आते ही पीटीआई के कारकुनान और सपोर्टर्स डी चौक पर अपनी फतह का जश्न मनाने के लिए निकल आए। आइए देखते हैं। इसके साथ ही मुदाखलत टीवी को इजाज़त दीजिए। अपने और अपने गर्द व नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।